अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे आई थी अब्दुल्ला के रूम में, क्या क्या गया था बाजी मेरे रूम की, थोड़ी सी ना डस्टिंग कर देना, सेटिंग वेटिंग कर देना। तो बस अभी ना मैंने इसकी रूम की सारी डस्टिंग वगैरह की है, बेडशीट चेंज की है, थोड़ी सेटिंग वगैरह कर दी है। तो मैंने कहा मैं यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और अभी मैं जाने लगी थी जी नीचे। आगे जो भी सारा दिन करेंगे सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग को प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्टेड है, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अभी जी चलते हैं जल्दी से नीचे। यहाँ पे जी मैं करने लगी थी अपने लिए नाश्ते की तैयारी। मेरे में ना एक बहुत ही ना बुरी आदत है कि मैं ना जल्दी नाश्ता नहीं करती। पहले मुझे होता है मैं ये भी काम कर लूँ, मैं बच्चों को देख लूँ, मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। मुझे अक्सर नाश्ता करते थे ना 1 से 2 बज जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और मैंने यहाँ पे जी पानी रखा था, मैंने कहा चाय बनाते हैं, और साथ में जी मम्मी ने ना दाल थी पड़ी थोड़ी सी, तो ना वो ना उसका आटा गूंद दिया था, जिसको बोलते हैं मिस्सी रोटी। भाई मिस्सी रोटी एक बेसन की भी होती है, एक अगर आपके पास दाल वगैरह पड़ी हो तो आप उस आटे में गूंदो ना, तो हम उसको भी ना मिस्सी रोटी कहते हैं। तो बस यहाँ पे जी ना वो रोटी मैंने अपने लिए बनाई, तो जैसे मैंने रोटी तवे पे डाली तो तवा था ठंडा, नीचे से मुझे था आग फुल है लेकिन तवा था ठंडा। और मैंने रोटी की साइड जब मैं फ्लिप करने लगी तो रोटी सारी बही मुचड़ गई, फिर अम्मी ने मुझे हल्की फुल्की सी सही करके दी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, टेढ़े जाके भी थे इन्हें मुचड़ना ही है, तो जिस तरह दिया है ना इनू बिस्मिल्लाह करिए। बस यहाँ पे मैंने इसको देसी घी लगाया और बाद में जी अभी यहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता करने लगी थी। और ये जो अचार है, ये भी अचार हम लोग लेके आए हैं पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान का अचार है। नाश्ता करने के बाद भी आप लोगों से मिलते हैं। मैं आई थी इधर बाहर भी अब्बू से पूछते कि अब्बू अगर आपने ना कुछ खाना है तो मैं आपको बना देती हूँ, लेकिन अब्बू तो यहाँ पे भी गाड़ी खोल के वो मैस वाली रख के और खुद मुझे लगता है अपनी गाड़ी लेके गए हैं। यहाँ पे जी आज मैं बनाने लगी थी जी काली तोड़ियाँ। यहाँ पे जी भी ऐसे सब्जी मिलती है, ऐसे पैकिंग हो के आती है इनकी, और तोड़ियाँ चेक करें इतनी मोटी मोटी हैं, लेकिन ऐसी ही तोड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और मैं भी अभी इनकी करने लगी थी कटिंग, साथ में सारी चीज़ें वगैरह लेके आई हूँ और इसमें आज बनाएंगी हंडिया। पहले सबकी ना पैकिंग खोल लेती हूँ, सबको ना पैकिंग में से निकाल के ना बाहर रख लेती हूँ। पहले अच्छे से इनके छिलके उतारूँगी, फिर इनको वॉश करके फिर इनकी ना मैं कटिंग कर लूँगी। अल्लाह करे पक्कियाँ ना निकलें, बट क्या पता है, काटेंगे तो पता चलेगा। चीज़ों की भी मैंने कटिंग कर दी है और साथ में मसाले ऐड करने के बाद भी अभी इसको करते हैं कवर और रख देते हैं पकने के लिए। तोरियों का जो सालन था एकदम से रेडी हो चुका था, पानी ड्राई हो गया था, तोरियाँ जो है वो अच्छे से गल चुकी थी, मर खप गई बेचारियाँ सारियाँ। और कितनी सी रही है, इतने इतनी यहाँ तक फूल थी और पक पक के देखे कितनी सी रही है अभी। और मैंने इसके बाद उसको अच्छी तरह भूना है और देखे ऑयल भी आ चुका है अभी साइडों पर इधर देखे। और यहाँ पे जी ऐड कर देते हैं हल्का सा गरम मसाला और भी बस फिर सालन रेडी है। थोड़ा सा और आगे चलो देखते हैं। अबू अच्छा अबू चंगा दूसरी गड्डी दे जब च पे की बनिया हाले तक नहीं सही होती, समझ आ गई है की मसला है इनू? दोबारा चेक कराए उन्होंने पैडा के मसला? अच्छा आप ही अबू चल गया ना, मैं तुम अंदर चल गया। अबू जी, अबू जी आप पेच कैसे? हेलो मैं प्लान पेच खोली मैंने आटा निकालने के लिए कि चलो मैं पेड़े बनाती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, और आटा है ही नहीं था, एक दो पेड़ थे। अभी यहाँ पे जी मैंने आटे को ना गूंद के रखा है, थोड़ा सा विसम जाए फिर इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की है कि अम्मी प्लीज़ अगर आप ना बाहर ना तंदूर ताएँ तो तंदूर की रोटियाँ बनाते हैं। और में भी आग लगा दी है, बस अच्छे से ये तप जाए और तब तक मैं ना आटा गूंद के पेड़े बना के लेके आ जाती हूँ, फिर रोटियाँ बनती हैं, फिर जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाते हैं, गर्मा गर्म सालन और रोटियाँ इंजॉय करेंगे तंदूर की रोटी। गर्मियाँ है ना तो चेक करें देखें कितनी स्पीड में आग जल रही है।
किसी ने भी कमेंट सेक्शन में पूछा था कि भी आप लोगों ने ये तंदूर कहाँ से लिया है। ये जो तंदूर है ना, हम लोगों ने भाई लिया है इंडियन स्टोर से। इंडिया से बन के पहले कैलिफोर्निया आया, फिर कैलिफोर्निया से बन के यहाँ आया वैंकूवर में, फिर यहाँ पे जो हमारे पास है इंडियन स्टोर, वहाँ से हम लोगों ने बाय किया था। और बहुत ही जबरदस्त है, सारी चीजें भी मैं ले आई हूँ यहाँ बाहर। और तंदूर अभी तक भी नहीं हीट अप हुआ फुल, अभी भी आग जल रही है। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। What happened? It hurts? Yeah. Let me get it. Let me get it. Let me get it. तंदूर पे लगती है चार रोटियां, एक दो तीन एंड चार। ये देखिए से कितना ज्यादा है ना हीट, सारी ऐसे छेदे को आती है। हाँ जी तंदूर की जो रोटी ना, इसके गर्म गर्म का मजा है। बस टू लेफ्ट रह गई है। अम्मी कहती मैं लगा के लेके आती हूँ, आप तब तक लेके जाओ और अब्बू को तो दो और खुद खाओ। हल्का हल्का सा बटर लगा देते हैं। सही निकले हैं। हाँ, बहुत जबरदस्त निकले हैं। थोड़ी है भी किसी के पास इतने प्यारे प्यारे से क्यूटू क्यूटू से बच्चे, अमेरिकन बच्चे, वो भी इतना अपनी माँ का एहसास करते हैं। अभी अल्लाह पाक जब ये बड़े हो जाएं, इनको ऐसे ही नेकी बनाना, आमीन सुम्मा आमीन। रोजाना जब मैं नीचे के काम करके भी ऊपर आती हूँ ना, तो इनको होता है कि हमारी मम्मा सारा दिन नीचे काम करती है तो थक जाती है ना, तो मैं जब यहाँ पे आके बैठती हूँ ना, ब्लड ठीक करी होती हूँ ना अपना, जब मैं अपना व्लॉग ठीक करी होती हूँ ना, तो ये पता क्या कहेंगे, मम्मा लाए हम लोशन लेके आते हैं। जाते हैं उस ना क्लोजेट में से जाके लोशन लेके आ जाते हैं और फिर कहेंगे मम्मा हमें हाथों पे डाल दो, हम आपके पाँव की मसाज करें। अल्लाह पाक मेरे दोनों बच्चों का नसीब अच्छा करे और इनको नेक बनाए, दीन और दुनिया दोनों लेके चले इंशाल्लाह ताला। हाँ, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, सबने देख के माशाल्लाह करना है। और अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी बुरी नजर से बचाए। सब देखने वाले बहन भाई भी देख के माशाल्लाह कहिएगा और दुआ करिएगा जी, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक इन्हें नेक बनाए, मोमिन बनाए, दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलने वाले हों इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक भी मेरे दोनों बच्चों को नजरे बद से बचाए, अल्लाह पाक भी मेरे दोनों बच्चों को नजरे बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। फजू जी मैंने कर लिया था और मैं पढ़ने लगी थी जी यहाँ पे इशा की नमाज। और टाइम जो है इस वक्त हो रहा है, चेक करें मैं, 11 बजने वाले हैं। मैं कहती हूँ टाइम इस वक्त ऐसे भागता है पता ही नहीं चलता, सारा दिन टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा। जैसे मगरब की अजान होती है 11-12 कब बजते कोई पता नहीं चलता। वैसे भी अभी आपको पता है जो है ना नमाज है थोड़ा सा ना देर से होती है। चले भी जल्दी से बिछाते हैं जाए नमाज और अपने रब को याद करते हैं भाई फ्रेंड्स। और आप लोगों से लेंगे जी इजाज़त, क्योंकि नमाज़ पढ़ के फिर भी हम लोग करेंगे जी रेस्ट, गुड नाइट हो जाएंगे। दुआ में आज का जो व्लॉग है इसको भी करेंगे यहीं पर एंड। आप लोगों से लेते हैं जी इजाज़त। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।